चंद रोज कबल भारत ने इसराइल को 20 हर्मस ड्रोन्स मुहैया किए हैं। ये ड्रोन्स जासूसी के साथ साथ बमबारी करने की सलाहियत भी रखते हैं। इसराइल जो पिछले 4 महीनों से मुसलसल मजलूम और निहत्ते फलस्तीनियों पर आतिशो आहन की बारिश कर रहा है, अब भारतीय साख्ता इन ड्रोन से उसकी इस गैर इंसानी और जालिमाना कार्रवाइयों में मजीद तेजी आएगी। भारत और इसराइल गठजोड़ बहुत पुराना है। दोनों ममालिक एक दूसरे के मुआविन और मददगार भी हैं और एक दूसरे के गैर कानूनी और गैर इंसानी इकदामात की न सिर्फ हिमायत करते हैं बल्कि इंसानी हकूक की पामालियों में एक दूसरे की पैरवी भी करते हैं। दोनों ममालिक तकरीबन पिछले 76 बरसों से अपने अपने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा इलाकों बिलतरतीब फलस्तीन और कश्मीर के लोगों की जिंदगियों को अजीरन बनाए हुए हैं और उनसे जीने के हुकूक छीन रखे हैं। 20वीं सदी के आगाज में नौ आबादियाती निज़ाम के इख्तिताम पर जारे काबिज कुव्वतें ऐसे मसाइल छोड़ गईं जिनका खमियाजा आज भी मजलूम कौमें भुगत रही हैं। Don't all these narratives sound the same, be it in Palestine, in Jammu Kashmir, South Africa, or even Ireland in the not too distant past? For that matter, most of these problems are inherited from the colonial past as they divide and carve up their former colonies and distributed them at their whims without considering the interests of the populace. Unluckily today, despite contributing to the crisis, the former colonialists and their allies chose to support the new occupiers, and the results, as we witness today, are the massacres and genocide of the occupied. फलस्तीन के खिलाफ जारी हालिया जारहत में इसराइल अब तक तकरीबन 30,000 से ज़ायद मज़लूम और बेयारो मददगार फलस्तीनियों को शहीद कर चुका है। फलस्तीनियों की जायदादों को सफाए हस्ती से मिटा चुका है। इसराइल तमाम इंसानी और बैन अल-अक़वामी क़वानीन को रोंद रहा है। ज़ालिम इसराइली हुकूमत ने फलस्तीनियों पर जिंदगी के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। इसराइल के नक्शे कदम पर चलते हुए भारत कश्मीर में न सिर्फ कत्लेआम कर रहा है, कश्मीरियों की इज्जतों को पामाल कर दिया है, उनकी जायदादों को तबाह कर रहा है, भारत के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को ताकत के जोर पर दबा रहा है, पूरी कश्मीरी सियासी कयादत को जेलों में डाल दिया है, सियासी जमातों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं और उनकी जायदादों पर भी कब्जा कर रहा है। बिल्कुल इसराइल के नक्शे कदम पर चलते हुए कश्मीरियों की नस्ल कुशी भी कर रहा है और साफ तौर पर भारत और इसराइल का एजेंडा भी एक ही है। तो इस पूरे स्टेट का जो इंस्पिरेशन है, जो प्रेरणा है, वो हिंदुत्व के जो आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, वो भारत को भी एक ज्यूश स्टेट की तरह या एक हिंदू स्टेट की तरह देखना चाहते हैं, यानी उसी की राह पर एक तरह का राज्य बनाना चाहते हैं। सीधे तौर पर जबकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसको लेकर पूरी दुनिया में यही बहस हुई थी कि क्या यहूदी एक जो रिलीजियस स्टेट है, एक धार्मिक राज्य है, उसकी तर्ज पर CAA लाया गया है, जिसमें आपको मालूम है कि जो पड़ोसी देश हैं यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों से तमाम धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ आकर नागरिकता ले सकते हैं सिवाय इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के। यानी पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट ये था कि एक रिलीजियस स्टेट बनाया जाए हिंदूज के लिए, जैसे ज्यूश जो लोग हैं उनके लिए, यहूदी धर्म मानने वाले लोगों के लिए, जिस तरह से बनाया गया है ये इसराइल। तो ये तो पहला महत्वपूर्ण बात रही कि एक तरह से एक नेचुरल होम फॉर ज्यूज, नेचुरल होम फॉर हिंदूज। ये CAA पूरा सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी सरकार ने जो इस कानून को पास किया, सीधे तौर पे बताता है कि प्रेरणा यहाँ से मिल रही है। अक्वामे आलम को चाहिए कि वो इसराइल और भारत की बढ़ती हुई जारहाना और गैर इंसानी कार्रवाइयों का नोटिस लें और फलस्तीन और कश्मीर के मजलूम अवाम की दादरसी करें। मोदी की
कयादत में भारत जमहूरी लिबादे में एक इस्तेमारी ताकत बन चुका है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों का कत्लेआम भारत के नामनिहाद जमहूरी दावों की नफी है। हिंदुत्व के अलंबरदारों के मजमूम अजाइम के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को खामोश किया जा रहा है। भारत में इंसानी हकूक के कारकुन जेरे अताब हैं। अक्वामे आलम की जिम्मेदारी है कि वो जमहूरियत का लिबादा ओढ़े हुए भारत को एक फस्ताई रियासत बनने से रोकें।